अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज 786। आज का ये वीडियो कुछ लोगों की सोच को बदल कर रख देगा इंशाल्लाह, और हो सकता है कुछ लोगों का नुकसान होने से भी बच जाए। क्या आप किसी जिन्नात को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, जैसे कि कोई जिन्नात है या कोई परी है, हम आराम करते रहें और वो हमारा सारा काम कर दे? क्या आप ऐसा चाहते हैं? अगर ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा। आजकल YouTube पर इतना ज़्यादा स्कैम चल रहा है और YouTube पर लोगों ने ऐसा धंधा बनाकर रखा है कि फर्जी लोग अमलियात को इतना बदनाम करने पर तुले हुए हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं। सबसे ज़्यादा कहीं से अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो भी YouTube से हो रहा है। ये बात मैं ओपन चैलेंज के साथ कहता हूँ आपसे, ये मेरा ओपन चैलेंज है। आप जब भी इस तरह की अमलियात तावीज़ात की कोई भी वीडियो देखें, अब वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं। अब आपको अलग अलग आईडी से बहुत से कमेंट आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको ये बातें बताई जाती हैं, बाबा जी ने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आप भी बाबा जी से संपर्क करें या रابطہ करें। फिर एक नंबर दिया जाता है मोबाइल का या व्हाट्सएप का, और उसके ऊपर रابطہ करने के लिए कहा जाता है। इसी तरह से वंशीकरण करा लो, एक दिन में जॉब हासिल करें, रابطہ करें, और बहुत से इसी तरह के आपको वीडियो मिल जाएंगे। इसके साथ में एक और ख़ास बात आपको बता दें, बहुत से कमेंट इस तरह के होते हैं कि परी ट्रांसफ़र कर देंगे या जिन जिन्ना ट्रांसफ़र कर देंगे, इस तरह के भी वीडियो आपको वीडियो के कमेंट में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और पता नहीं क्या क्या, तो मेरे भाइयों बहनों इन सब के चक्कर में ना पड़ें, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा स्कैम है, इनसे बचें। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आपके दिल में हसरत है कि कोई परी या जिन आपके पास आ जाए, तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को खूब खूब शेयर करें और आखिर तक वीडियो देखें और इस वीडियो को लाइक भी खूब करें। आपकी सब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह जब आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे। अब जिन और परी को कब्जे में करने की हकीकत क्या है मैं आपको बताए दे रहा हूँ, ये कान खोलकर आप लोग सुन लें और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लोगों तक भी पहुँचाने का काम करें जो इन चक्करों में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जिन या परी को कब्जे में करने के चक्कर में आप ना पड़ें, मैं यही मशवरा आपको दूंगा। किसी को कब्जे में करने वाले आप कौन होते हैं, और इस्लाम में इसका कोई हुक्म भी नहीं है, और करना धरना, सिफली अम्ल, शैतानी अम्ल, ये इंसान के ईमान को खा लेती है। यानी कि वो इंसान जो ये काम करता या करवाता है वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। और मैं ऐसी कोई भी अम्ल या तावीज़ात तावीज 786 पर नहीं बताता जिससे किसी इंसान का ईमान ख़राब हो या इस्लाम से खारिज हो या इंसान को जानी माली जिस्मानी किसी तरह का कोई नुकसान होने का अंदेशा हो या नुकसान हो जाए। इसलिए मैं इस तरह का कोई भी अम्ल या वजाइफ नहीं बताता हूँ। इसलिए आप सब खुश रहें, अल्लाह की हिफाजत में रहें। आप सब मेरे बहुत ख़ास लोग हैं, इसलिए मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहता। किसी जिन जिन्नात के कब्जे में करना या परी की हाजिरी इस तरह से है जैसे मौत को गले लगाना। बहुत से लोग जिन व परी को ट्रांसफ़र करने का दावा करते हैं, लेकिन ये नामुमकिन बात है। कोई भी किसी को भी कोई परी जिन जिन्नात वगैरह ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो दुनिया में बहुत से पैसे वाले लोग हैं जिनके पास हज़ारों की तादाद में परियां होती, हज़ारों की तादाद में जिन होते। इसलिए मेरे प्यारे भोले भाले भाइयों बहनों, इन सब के चक्कर में ना पड़कर अपनी मेहनत व लगन को तरजीह दें और दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल करें। स्टडी खूब करें, खूब पढ़ाई करें और दुनिया को हासिल करें और आखिरत को भी हासिल करें। ईमान पर आप कायम रहें, यही मेरी दिल की तमन्ना है और आपसे मैं यही चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।
दुआ की दरख्वास्त के साथ।